कैसा जा रहा है लॉकडाउन में डे? सभी घरों में यार बैठे, कैसा जा रहा है आपका दिन? मेरी आदत पड़ चुकी है, मैं सुबह उठ के मेकअप लगा के शूट पे चला जाता हूँ और मैं एग्जैक्ट वर्कहॉलिक किस्म का आदमी हूँ, तो मेरे लिए तो ये काफी मतलब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। लेकिन एक तौर पे अच्छा भी है क्योंकि मतलब याद दिलाता है कि कभी कभार पॉज लेकर के ब्रेक लेना चाहिए, अपने घर वालों के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहिए अच्छी तरह से। तो अभी मैं वो कर रहा हूँ पिछले कुछ हफ्तों से। तो बात की जाए लॉकडाउन में कैसे दिन की शुरुआत होती है। जैसा कि जनरली हमें पता है कि शूट पे जाना है, काम करना है, तो सुबह एक टाइम होता है, कौन से टाइम, वो टाइम पर उठना है, फ्रेश होना है, रेडी होना है, फिर अपने शूट पर जाना है। तो इस वक्त किस तरह का रूटीन होता है? देखो ज्यादा लोग जानते नहीं है क्योंकि मैं अपना प्राइवेट लाइफ थोड़ा प्राइवेट ही रखता हूँ, लेकिन मेरा मेरा 3 साल का बच्चा है, तो मेरा जब बच्चा उठता है तो मैं भी उठ जाता हूँ। तो मेरी बीवी काम करती है दिन भर, ये हमारा ऑफिस वाला कमरा बनाया है हमने, तो वो काम करती है, वो हेल्थ केयर में काम करती है, तो उसको तो लाजमी सी बात है कि उसको काम करना ही है इस दौरान। तो मैं बच्चे को देखता हूँ दिन भर, और मैं और बच्चा थोड़ा गार्डनिंग करते हैं बालकनी पे, किताबें पढ़ते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, मैं बर्तन मांजता हूँ, वो देखता है, मेरी मदद करता है। तो ऐसी चीजें चल रही हैं, और मैं थोड़ा बहुत राइटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लिखा नहीं है मैंने कभी लाइफ में, तो मैंने तय किया कि थोड़ा लिखना चाहिए, तो एक कला जानना चाहिए, सीखना चाहिए, तो वो चल रहा है, बस कट रही है जिंदगी। खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है खुद को वक्त आई देना। यार आई फील एक क्रिएटिव इंसान को करना ही चाहिए, यू नो मतलब एग्जैक्टली हम लोग कभी कभार इतना मसरूफ हो जाते हैं काम में कि हम भूल जाते हैं कि हम क्रिएटिव भी हैं, हमें जिंदगी भी जीनी है। तो ये मुझे याद दिला रहा है कि जिंदगी जीना चाहिए थोड़ा और। बात की जाए तो इस माहौल, इस इन दिनों में कोई फिल्में या कोई बुक आपने जो पढ़ी हो, जो आपको बहुत पसंद आई, बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं पढ़ पाया हो आपने, या कोई फिल्म नहीं देखी हो? बिल्कुल यार, पहले तो मैंने मसान नहीं देखी थी कभी, और मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी दोनों फिल्म में हैं, और तो फाइनली मैंने मसान देख ली और बहुत बढ़िया फिल्म लगी मुझे। और मैंने द फैमिली देखा है जो राज इन डीके का वेब सीरीज है मनोज बाजपेयी सर के साथ, वो भी गजब लगा मुझे। तो एक आध चीजें ऐसी थी जो मतलब मसरूफियत में देख नहीं पाया मैं। और किताबें तो मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग एक किताब लगी है, द स्टोरी, रॉबर्ट मैकी एक इंसान है, उन्होंने लिखा है द स्टोरी। तो संक्षेप में ये आपको दिखाता है कि स्क्रीन प्ले किस किस्म से किस तरह से लिखा जाता है। मैं 10 साल से स्क्रीन प्ले पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसकी इसकी पढ़ाई मैंने की नहीं कि किस तरह से लिखा जाता है स्क्रीन प्ले। तो फाइनली जब मैं वो चीज पढ़ रहा हूँ, मुझे और अपने राइटर्स के लिए और वो होने लग रहा है यार। ऑलरेडी मैं इनकी रिस्पेक्ट बहुत करता था, लेकिन मुझे और रिस्पेक्ट हो गया अपने राइटर्स के लिए। अच्छा, अगर बात की जाए, आपने इंडस्ट्री को 10 साल दिए और वो काफी इम्प्रेसिव रहा है कि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो फैन है, काफी काफी तरह से आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपकी बिल्कुल स्टोरी यार, की हमेशा बिल्कुल। सपोर्ट करते हैं। ये मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो आपने सभी वैरायटीज में काम किया हुआ है, डिजिटल हो या फीचर फिल्में हो, शॉर्ट फिल्म में भी आप आ चुके, किस तरह की जी वैरायटी आप देखते हैं बतौर एक्टर? यार, मतलब जो मैं देखना पसंद करता हूँ जी यार, मेरी कोशिश हमेशा हमेशा एज एन एक्टर रहा है कि मैं अलग अलग जॉनर करूँ। मतलब अगर मतलब हॉरर कर लिया मैंने, थ्रिलर कर लिया मैंने, सस्पेंस कर लिया मैंने, जैसे गुड़गांव लाल रंग, डार्क कॉमेडी, तो मैं ऑब्वियसली वो मेरी चॉइसेस के ऊपर ही है, तो मैं वो ही पसंद करता हूँ। मेरा कोई फिक्स जॉनर नहीं है कि मुझे सिर्फ एक्शन अच्छा लगता है या मुझे सिर्फ थ्रिलर अच्छा लगता है, मुझे हर प्रकार का जॉनर अच्छा लगता है। इसलिए मैं एज एन एक्टर भी कोशिश करता हूँ कि अपने आप को उस चीज में बिठा दूँ, जैसे कालाकांडी उसे डार्क कॉमेडी या जंगली एक्शन फिल्म थी, या लाल रंग सस्पेंस थ्रिलर है, या पिज्जा हो गई हॉरर फिल्म, या गुड़गांव हो गई थ्रिलर, ड्रामेटिक थ्रिलर। तो मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि हर बार एक नया चीज, एक नया रूप, एक नया किरदार हो। आपका आपकी अपकमिंग शॉर्ट फिल्म भी जल्दी रिलीज होने वाली, आई थिंक 24th को उल्लू पर, तो जी जी उसके बारे में बताएं। हमने थोड़ा सा ट्रेलर देखा, लेकिन काफी पिंच करता है वो ट्रेलर। यार मैं एज आई सेड, मुझे एक्टिंग मेरे लिए एक नशा है, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक्टिंग इतनी मैं अच्छी लगती है चीज कि मैं उसके ऊपर पागल हूँ। तो जब भी मैं फ्री हूँ मैं शॉर्ट फिल्में करते रहता हूँ, और मुझे लगता है मेरी मतलब क्राफ्ट और उसमें इजाफा आएगा और बेहतर एक्टर बनूंगा जितना मैं कैमरे के सामने आऊँ, तो मैं लगातार करता हूँ। तो मैं ये एक शॉर्ट फिल्म आई थी अंकुश भट्ट की, और मुझे किरदार तो बहुत ही गजब लगा, और मैंने कहा बिल्कुल करेंगे ये। तो बेसिकली स्मार्टफोन हीना खान, मैं और कुणाल रॉय कपूर के ऊपर आधारित है। कुणाल और हीना खान की शादी हो चुकी है, हीना आती है गाँव से
और अपना कुणाल एक पढ़ा लिखा बॉम्बे का लड़का ही समझ लो आप, कॉर्पोरेट में काम करता है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं घर आता हूँ, यहाँ से शॉर्ट फिल्म स्टार्ट होती है। और इस दौरान जब मेरा किरदार एंटर करता है तब आपको पता चलता है कि जो चीजें हैं, मतलब हम लोग पत्ते खेल रहे हैं और धीरे धीरे वो पत्ते खुलते हैं और स्टोरी भी खुलती है वहां पे। तो एज यू सीन इन द ट्रेलर, वो थोड़ा बहुत हमने दिखाया कि होता क्या मेरे किरदार की वजह से, लेकिन मैं ज्यादा बताऊंगा तो चीज स्पॉइल हो जाएगी। अगर उल्लू की बात करें, उल्लू ऐप जो कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म टॉप पर है, उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का कोई खास एक्सपीरियंस या उल्लू ऐप का कुछ आप बताना चाहें, कुछ कहना चाहें? यार मैं बहुत खुश हूँ कि उल्लू ने खरीदा है या उल्लू ने इसको प्रेजेंट किया है शॉर्ट फिल्म को। अंकुश ने बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से ये चीज बनाई है और मैं खुश हूँ कि उल्लू एज अ प्लेटफॉर्म कोशिश करके ओरिजिनल्स बना रहा है। बिकॉज आई फील कि फ्यूचर तो यही है, और जितना अगर ये कोरोना वायरस तो चलता रहेगा तो यही फ्यूचर रहेगा, पता नहीं। मुझे लगता है ऑब्वियसली सिनेमा घर दोबारा खुलेंगे और फिल्में आने लगेंगी दोबारा, लेकिन एक डिजिटल के कारण और डिजिटल के वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है हमारी इंडस्ट्री में, और जितना कंटेंट आप डिजिटली ला रहे हो उतना बेहतर हमारी फिल्में होंगी, तभी जाकर वो चलेंगी। तो ये जो टक्कर हो रहा है, ये जो मुकाबला हो रहा है, जो कंपटीशन चल रहा है, एक्चुअली फिल्मों के लिए अच्छा ही है और हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। तो मैं चाहूंगा कि और ऐसे प्लेटफॉर्म आए उल्लू जैसे, और लोग इसमें इंटरेस्टेड हों, क्योंकि ऑडियंस तो है, ऑडियंस तो देख रही है। हीना कुणाल, वो क्या कॉम्बिनेशन रहा ऑन सेट, कुछ माहौल था, क्योंकि हीना हमेशा ही अलग माहौल में होती है, कुणाल काफी, तो क्या वो सेट का माहौल था? देखो हीना को मैं ज्यादा जानता नहीं था, और कुणाल और मैं तो एक ही जर्नी से आई हैं, हमने काला कांडी भी इकट्ठे की थी, तो हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के सर्कल में रहे हैं। मतलब मैंने फितूर में काम किया, उनके भाई थे उसमें, पिज्जा वाज प्रोड्यूस बाय सिद्धार्थ राय कपूर, तो मैं उसको काफी जानता हूँ। हीना को मैं, हमने कभी काम नहीं किया था यहाँ, मैं मतलब मिला भी नहीं हूँ हीना से। तो एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभार जब आप एक्टर हो तो आप सेट पर पहुंच जाते हो, तभी आपके को एक्टर से मुलाकात होती है, और पहले ही एक आध दिन में वो ट्यूनिंग बैठती है नहीं बैठती है। और मुझे जहां तक लगता है कि जितना वो ट्यूनिंग बैठ जाए उतना अच्छा आपका काम होगा। तो आई एम वेरी ग्लैड कि हीना के साथ वो बैठ गया, जम गया मामला, और कुणाल और मैं और वो आई थिंक तीन दिन ऐसे हंसी मजाक में कट गए। तो अच्छा, अगर बात की जाए तो आने वाला वक्त जो है आपके लिए काफी बिजी होने वाला है, कि काफी प्रोजेक्ट है, काफी काम है जो कि हमारे बीच आने वाला है। इनसाइड के हाल ही में शूटिंग करके आए हैं आप, तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए। काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है क्योंकि वन बाय वन जो आ रही है, पहली फिर दूसरी, तो काफी एक्साइटमेंट है। यार इनसाइड एज बहुत बढ़िया, मतलब एक्सेल जिस लेवल पे शूट करता है उसको, मतलब मैं पगला गया देख करके। हमने डीवाई पाटिल पूरा मतलब रेंट करके हमने 10 दिन वहां पे शूट किया, तो मतलब बहुत बढ़िया लगता है जब आप मतलब दिग्गज कलाकारों ने, दिग्गज क्रिकेटर ने उस पिच पे खेला है और हम जाकर के खेल रहे हैं एक्टर्स वगैरह, तो बहुत बढ़िया रहा है। और काफी वेब सीरीज हैं वो आने वाले, एक फ्लैश है जो सिद्धार्थ आनंद ने प्रोड्यूस किया है, वॉर के जो डायरेक्टर है गौरव भास्कर के साथ, एक मैजिक है कि लीगल है, तीन चार फिल्में भी हैं। तो मैंने बहुत काम कर लिया पिछले साल, और मैं चाहूंगा कि लोग देखें आगे अगले साल। कुणाल अगर बात की जाए तो, ये अक्षय अगर बात की जाए तो, करीब 10 सालों में आपने ऐसे ऐसे किरदार दिए हैं जो कि लोग का जो ऑडियंस आपको कोई भी पॉइंट नहीं कर सकती कि इसमें कोई भी कमी रही है, या फिर इस किरदार में कुछ अक्षय के किरदार में थोड़ी कमी रही या कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट होता है कि जो जो फिल्में या जो कैरेक्टर आपको मिलने चाहिए थे वो चीजें नहीं मिली है। यार मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि पहले तो थैंक यू, यस बिल्कुल, मेरी मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी एक्टिंग की एटलीस्ट तारीफ होती है हर फिल्म में। पर दुख तो ये होता है कि फिल्में चलती नहीं है, जैसे मतलब पिज्जा नहीं चली, या जो भी फिल्में मैंने जिक्र किया है वो चली नहीं है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है एज एन एक्टर, तो मुझे काम मिलता रहा। बट कोई कमी या रिग्रेट की बात नहीं है, आगे भविष्य के लिए सोच ये है कि एक फिल्म मैं कर लूं जो चल जाए और लोग देखें और उसको पसंद करें, नॉट ओनली माई एक्टिंग बट फिल्म को भी। तो आई एम श्योर वो दिन दूर नहीं है, और बहुत जल्द कोई कमर्शियल या फिल्म बॉक्स ऑफिस में चलने वाली फिल्म आएगी। फिर भी अक्षय अगर बात की जाए तो एक्टर सेटिस्फाई होता है जब एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे या सेटिस्फाई होते हैं? बिल्कुल यार, आप बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब आपकी एक्टिंग की तारीफ होती है ना, मतलब दिल बहला जाता है यार, आप इतना खुश हो जाते हो। क्योंकि मैं
देखो यार, मैं इतना, मैं सबसे बड़ा घर लेने के लिए या सबसे बड़ा गाड़ी में घूमने के लिए या मेरे सैकड़ों लोग होने चाहिए मेरे घर के बाहर, उसके लिए मैं एक्टर नहीं बना था। मैं एक्टर बना था कि ये ठप्पा लग जाए कि ये एक्टर है। और धीरे 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 मैं एक करियर बना रहा हूँ ईंट ईंट पे रख रख के, जहाँ पे लोग कहते हैं कि ये लौंडा कुछ भी कर सकता है, उसको कोई भी रोल दे दो कर लेगा वो। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक हर एक एक्टर की अलग सोच होगी इसको लेकर के, पर मेरे लिए कमर्शियल अप्रिसिएशन परफॉर्मेंस के लिए या क्रिटिकल एक्लेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके कारण मैं चल रहा हूँ, उसके कारण मेरा घर चलता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने कहा है कि ये एक्टर अच्छा है। ऑब्वियस वो स्टैम्प आप पर बेशक लगा हुआ है कि आप एक बहुत ही अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे अदाकार। सो अच्छा, के बाद आज बड़ा खूबसूरत एक ट्रेंड चल रहा है कि हर तरह की फिल्मों को, नए नए कंटेंट को प्यार मिल रहा है। अगर कोई स्पेशली कोई कंटेंट हो या कोई स्टोरी लाइन हो जिस पर आप, या कोई जॉनर हो जिसमें आप काम करना चाहेंगे, या आजकल तो ऑटो इसकी बायोग्राफी का भी ट्रेंड चल रहा है, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई कुछ है स्टोरी इस पे मुझे काम करना है? या मैं एक पीरियड फिल्म करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पीरियड फिल्मों में कपड़े आपके नहीं है, भाषा आपकी नहीं है, मतलब चलने ढलने स्टाइल वगैरह सब अलग, तो वो चैलेंज कुछ और ही होगा। मतलब जो जो मैंने देखा ही नहीं है उसको करना है मुझे। तो आई वुड लव टू डू अ पीरियड फिल्म यार। पीरियड में एक अलग ही मजा, अलग ही स्वाद। और मैं बहुत पुराने पीरियड की बात कर रहा हूँ, मैं इस सदी की बात नहीं कर रहा, तो मतलब वो करना चाहूंगा। अगर आज बात की जाए तो एक्टर के लिए काफी खास होता है जब उनके साथ डेली बेसिस पर काम करने वाले या और भी लोग हैं, जब काम बंद हो जाता है, काम रुक जाता है, जिस तरह लॉकडाउन की वजह से काम रुका हुआ है, तो वो भी अपने घर बैठे हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, काफी तकलीफों का उन्हें भी सामना करना पड़ता है। लोगों ने भी सपोर्ट किया, एक्टर्स ने पूरी तरह सपोर्ट किया है, उन्हें उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे उन्हें? अच्छा, जो हमारे दिग्गज स्टारों ने इंडस्ट्री की मदद, अरे बहुत बढ़िया यार, मैं बहुत खुश हुआ देख करके। मैंने भी अपने लेवल पे जो मैं कर सकता हूँ मैंने किया, लेकिन जो सलमान भाई और शाहरुख खान साहब और ये दिग्गज कलाकारों ने जो इंडस्ट्री को चलाया एक रूप से, उन लोगों ने जब सपोर्ट किया तो बहुत बढ़िया लगा यार। ऐसा लगा कि एक्चुअली लोग कहते हैं ना, हमारी इंडस्ट्री एक फैमिली है, चाहे वो बहुत बड़ा स्टार क्यों ना हो या एक लाइटमैन क्यों ना हो। मुझे एक्चुअली वो फीलिंग आई जब मैं पढ़ने लगा कि ये लोग डोनेट, मतलब जिस मात्रा में डोनेट कर रहे हैं, मुझे लगा कि हाँ इंडस्ट्री से प्यार है इन लोगों को। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे टॉप के लोग, हमारे सीईओज, मान लो इंडस्ट्री के सीईओ हैं ये, उन लोगों ने जब सपोर्ट किया तो बहुत बढ़िया लगा यार। और मैं चाहूंगा कि हमारे मेरे लेवल के भी जितने एक्टर हों या हमारे पास मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हों, वो भी कुछ डोनेट करें यार। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी के गाइडलाइन के साथ कहा गया कि लोग बाहर ना निकले, और ये यूनिटी प्रेजेंट करता है, काफी लोग घरों से बाहर नहीं निकले और काफी अच्छी बात है ये। और साथ ही साथ लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो घरों से बाहर निकल रहे, ये जो गाइडलाइन या कहा जाए जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान दिया गया था उसे तोड़ रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना है आपका? यार मैं समझ सकता हूँ कि सबके, चलो आर्थिक स्थिति सेम नहीं है, कुछ लोगों के पास इतनी सारी चीजें नहीं है जितना शायद हमारे पास हो, या मतलब हर एक अलग अलग है सिचुएशन, परिस्थितियां अलग। लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे मस्ती मौज करने के लिए, वो मुझे बड़ा दुख पहुंचा रहा है यार, क्योंकि इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हो कि कितना गंभीर हालत है ये। ये महामारी मजाक नहीं है, मतलब इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और धीरे धीरे बाहर देशों में आपको पता है कि चल क्या रहा है, मतलब बड़े बड़े देशों में अमरीका और लंदन वगैरह में क्या चल रहा है। और चाइना ने अभी बताया हमें कि जो डेथ रेट चल रहा है वो एक्चुअली उससे कई ज्यादा था। तो आई थिंक लोगों को इसको सीरियसली लेना चाहिए। देखो मैं समझ सकता हूँ अगर आप बाहर जा रहे हो काम करने के लिए, उनकी मतलब पेट भरने के लिए या घर चलाने के लिए, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आप मस्ती करने के लिए सड़कों पे निकल रहे हो तो फिर आपको दोबारा सोचना पड़ेगा भाई। सर जाते आते क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस को, क्योंकि अभी करंटली आपका उलू ऐप पर जब आपकी शॉर्ट फिल्म आ रही है उसके बारे में कुछ बता दे अपने फैंस को, और फाइनली कोई मैसेज अपने फैंस को, अपने देशवासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल यार, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मेरे जो फैंस हैं जितने भी हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं यार, चाहे वो अलग अलग जॉनर क्यों ने मैं क्यों ना हो, या हर चीज मेरा देखते हैं वो। तो आई वांट टू फर्स्ट थैंक देम कि आप लोग हैं तो मैं हूँ, तो धन्यवाद उस चीज के लिए। दूसरी बात यह है कि यस, स्मार्टफोन आ रहा है 24 अप्रैल को,
और आई थिंक आपके पास कुछ कुछ करने को है नहीं वैसे, तो 15-20 मिनट निकाल लो, देख लो शॉर्ट फिल्म, मजा आएगा तो और बनाएंगे आपके लिए। और जाते जाते इतना कहूंगा कि यार मैं समझ सकता हूँ कि ये सबके लिए आसान नहीं है घर पे रहना, और मतलब जिंदगी में इतना बदलाव आना और इतनी अनसर्टेनिटी के साथ। लेकिन मैं इतना कहूंगा एज एन एक्टर जो 10 साल रिजेक्शन देख देख के स्ट्रगल कर करके यहाँ पे बैठा है, जो आपके साथ इंटरव्यू कर रहा है E24 पे, कि पॉजिटिव रहो यार, पॉजिटिव रहो और हर एक चीज सुधर जाएगी। तो इतना मैं कहूंगा, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, हाथ धोते रहे बस। थैंक यू सो मच अक्षय। हर बार की तरह एक गहराई में आप जो बात करते हैं काफी अच्छी लगती है हमें और काफी कुछ जानने समझ। थैंक यू सो मच हमसे भाई, थैंक यू ब्रदर, आपके साथ बात करना हमेशा मजा आता है। थैंक यू, दोबारा करेंगे कभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू बॉस, चलिए।